वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खैरियत से है हसीना? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस आ गए? आगे शायद मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खैरियत? माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? सब ठीक है मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं बाजी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास पहले पारे का तो पीडीएफ मौजूद था, अब इंशाल्लाह दूसरे का भी आएगा। जब तक आप ये दो स्क्रीनशॉट्स ली मई, आप लोग इसमें से लफ्जी तर्जुमा देखिए, फिर मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है मैम जी, मीनिंग सुनाना? नहीं मैम। अरे आज मंगल है? नहीं, हाँ आप लोगों की रिकॉर्डिंग है थी ना पहले। ठीक है ठीक है जी मैम। चलिए, कौन तैयारी करे? नहीं करे मैम, और हरिता भी करे मैम। हाँ, तो हम कोई एक आयत ही सुनाना है ना, कौन सी भी सुना सकते हैं आप लोग। जी हरिता, हरिता आप सुना। आयत नंबर जी मैं आयत नंबर 50 का है मैम। अच्छी बात है, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. इसका तर्जुमा, وإذ और जब فرقنا فار दिया हमने بكم तुम्हारे लिए अलबहरा समुंदर को फअंजैनाकुम फिर निजात दी हमने तुमको वअग्रकना और गर्क कर दिया हमने आल फिरौनो फिरौन को वअंतुम और तुम तंजुरून देखते रहे थे। हाँ देख रहे थे, देख रहे थे। इसका पूरा तर्जुमा आसान तर्जुमा आकर जी, और जब हमने तुम्हारे लिए समुन्दर को फाड़ दिया फिर तुमने और हमने तुमको निजात दी और हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया जबकि तुम देख रहे थे, यानी तुम्हारी नजरों के सामने ही हमने तुम्हारे सब में बड़े दुश्मन को गर्क कर दिया। माशाल्लाह जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने। हसीना आप कौन सा कर रहे हैं? बारकल्लाह फिक 52 मैम। कौन सा? 52 जी मैम। ओके। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम थुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ जी मैम। सुम्मा फिर अफौना दरगुजर किया हमने अन्कुम तुमसे मिन बादि बाद ज़ालिका उसके लअल्लकुम ताके तुम तशकुरून तुम शुक्र अदा करोगे करोगे। कुछ ही फरहान तर्जुमा कर रहे हैं आपने बस। जी जी कर रही मैम, कर रही मैम। फिर इसके बाद फिर इसके बाद भी तुमको हमने माफ कर दिया। जी मैम, तुमको माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। जी माशाल्लाह, यानी बनी इसराइल की कई गलतियों को अल्लाह ताला माफ करते गए ना। क्यों जी मैम? क्यों चाहते थे कि वो शुक्रगुजार बंदे बने। जी मैम जी, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। और कोई सुना रहे? जी मैं सुनाऊं क्या? हाँ बिल्कुल सादिया, कौन सी आयत? नंबर 56 मैम जी। ओके बोलिए। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون جی اب جی ترجمہ ثم فر
बासनाकुम, दोबारा जिंदा किया हमने तुमको, मिम बादी, बाद से, मौतिकुम, तुम्हारी मौत के, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरुन, तुम शुक्र अदा कर सको। फिर दोबारा हमने तुमको जिंदा किया मौत के बाद, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। जी, यानी जो एक चीख अल्लाह को डायरेक्ट देखते बोल के जो बनी इसराइल हुज्जत करे थे, तो अल्लाह ने एक नजर रोशनी के जरिए पूरों को खत्म कर दिए थे, मगर फिर जिंदा करे अल्लाह ताला करके बताए कि तुम्हारे नहीं है ये इस ताकत के तुम अल्लाह को इस दुनिया की नजर से देख सको, और तुम्हारी गलतियों को फिर से यहाँ पे वही आयत जैसा हसीना ने कहा, फिर आगे वही बोल रही, अल्लाह बार बार इंसान के अंदर क्या देखना चाह रहा है, शुक्रगुजारी। जी, जितना भी है उतने उस पर शुक्र, और की हिरिस नहीं, बल्कि जितना भी है उस पर शुक्र और सबर। माशाल्लाह सादी, आपने भी कमी पूरी कर दी जो नागा हुआ था, अच्छा लगा। आप लोग थोड़ा ही कर रहे बस, ये आपके दिल को इत्मीनान है इससे ना कि आप भी सेटिस्फाई होना कि हमने भी कोशिश की, बस ये कोशिश देखता अल्लाह आप कितना पढ़े, एक रुकू पढ़े, दो रुकू पढ़े, ऐसा नहीं, बल्कि छोड़ा पढ़िए मगर तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करिए, आपको बहुत फायदा मंद होगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई और पढ़ रहे हैं? जी मैम, मैं पढ़ना चाहती। हाँ, कौन सी आयत बेटा? आयत 59 है मैम। बदल डाला उन लोगों ने जुल्म किया दूसरे बात को, कही गई थी उन्हें, लहुम उनसे, फिर नाजिल किया अल्लाह उन पर, अल्लज़ीना जिन्होंने ज़लमु ज़ुल्म किया, रिज़न अज़ाब, मिन से आसमान, बीमा क्योंकि कानू वो यक सुकून, नाफरमानी उन्होंने नाफरमानी की थी क्योंकि। फिर से पढ़ो। जी मैम, पूरा करूँ क्या मैं? हाँ, आसान तर्जुमा करो। हाँ, फिर बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया। आप पूरा तर्जुमा करेंगे क्या मैम? मुझे थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छी बात है, मैं कर रही हूँ, सुनिए आप। फबदल लदीन ज़लमु, पस बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, कौलन उस बात को, गैर लजी उस चीज से, खिला लहुम जो उनको कही गई थी, यानी बातों को फेर देना, कौलन जो बात उनको कही गई थी ना, उस बात को जो जालिम थे उन्होंने बदल लिया, जो मकसद से जिस बात का तरफ उनको हुक्म दिया जाता था उसको बदल कर दूसरी तरफ फेर दिया। तो इस नाफरमानी, इस तब्दीली, इस तहरीफ की वजह से, फ़ाज़ल्ला हमने नाजिल किया, अल्लज़ीना उन लोगों पर, ज़लमु जिसने जुल्म किया, रिज़न अज़ाब, मिन अस्समाई आसमान से, बिमा कानू उस चीज के बदले, कानू यफसुखुन जो उन्होंने नाफरमानी की, समझे बेटा सुमैया? जी मैम, जो उन्होंने नाफरमानी की थी उसकी वजह से उन पर आसमान से अजाब आया, जैसे कि हम जाने ना बहुत तरीके के अजाब आए बनी इसराइल पर, चिड़ियों का अजाब आया, मेंढक बनाए, बंदर बनाए, खून की बारिश हुई, मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए उन पर, जितना अल्लाह ने उनको फजीलत दी वो उतने ही नाफरमानी में गिरते गए, तो अल्लाह ने भी छोड़ा क्या? अल्लाह की फितरत क्या है? बगैर किसी को किसी दीन की बात पहुंचाए जुल्म नहीं करता, बल्कि उनको पहले नबी भेजता है, हक को वाजे करता है, जब फिर हक वाजे होने के बाद वो नाफरमानी पर नाफरमानी करते जाते हैं, ढील भी देता है मगर नाफरमानी करते जाते हैं, तो फिर अजाब का आना लाजमी है, ये सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है ये। कोई और है बेटा? जी मैम, हम सुनाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मरियम जी, बिल्कुल, कौन सी आयत मरियम? 43 और 46 इंशाल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا قائم کرو صلاة نماز وآتوا اور ادا کرو زکات اور ادا کرو زکات وآتوا مطلب ادا کرو زکات زکات ورکو و اور ارکو مطلب رکو کرو ما ساتھ راکین مطلب رکو کرنے والے تو اور اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اور نماز قائم کرو اور جو زکات ادا کرو جو ہم نے دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اور جی ماشاءاللہ ایٹ نمبر 46 مریم ایک سوال کر سکتی میں آپ سے جی جی یہ میں سمجھائی تھی الحمدللہ دو تین بار شاید یاد ہوگا کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے نماز جی لگاتار پڑھنے کو قائم کرنا بولتے ہیں ریگولر بیسس پہ ایک بار پڑھیں ہاں ہمیشہ پڑھنے کو قائم کرنے اور بھی بولی تھی میں جی پابندی کے ساتھ تمام ارکان کے ساتھ اس کی شرائط اور جی اور خشوع خضوع سب چیزیں جی جی نماز خشوع خضوع سے ادا کرنا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے بھی وضو کرنا ضروری ہے وقت کا پابندی ہونا وضو کرنا اور قبلے کا رخ ہونا اس کے چھوٹے چھوٹے جو ارکان ہیں نا وہ پورے مگر عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھنے کو قائم کرنا کہتے ہیں مگر وہ مطلب نہیں ہے بلکہ بار بار اللہ نے نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا کہ اس کی تمام رولز کے ساتھ نماز پڑھو تو نماز قائم ہوگی اور ریگولرلی بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون والذين جو اور جو والذين جو جو لوگ والذين سوری الذين جو لوگ جی يظنون یقین رکھتے ہیں ملاقو روبرو ہونا ملاقات کرنے کو بولتے ہیں اللہ سے ربهم اپنے رب سے اور انہم کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ الذین مطلب جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس میں تقوی کی بھی بات آتی ہے جو یقین رکھتے مطلب اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہ لوگوں کا ڈرتے رہتے ہیں جی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ پہ ہاں جی توکل بھی کرتے ہیں ان کو یقین ہے کہ وہ دنیا کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں مطلب وہ ان کو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت والے جو رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سب دے دیں گے پھر اس کے بعد اور کچھ ہے کیا بول کے ایسا مانگے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو لوگ بولیں گے اور کیا اللہ پاک بولے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کرائیں گے بے شک بے شک ماشاء اللہ دیکھیے یہ ایسی خوشی ہے جس دن نہ چہرے چمک اٹھیں گے میری بہنوں جو خوشی ان کے دل سے ہوتی ہوئی ان کے چہروں تک آ جائے گی اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں ہے جنتیوں کے لیے اللہ کا دیدار سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہے جس کے لیے ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں یقین ہو ایسے اعمال کریں جس کے وجہ سے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے آمین آمین ماشاء اللہ مریم بہت اچھا ایکسپلین کرے آپ بھی اور کوئی ہے تو دنیا والا آمین آمین ایک پارے نے تو چلو الحمدللہ
हमारी चंद बहनों को, उम्मीद है तमाम बहनें भी कोशिश करती होंगी अपने अपने तौर पर, मगर थोड़े आगे बढ़े हैं। अल्लाह बाकी बहनों को भी ऐसा हिम्मत दे। मुझे भी, आप लोग यकीन नहीं मानते, मैं तो सब में ज्यादा डरने वाली थी स्कूल लाइफ में। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, जब भी मेरा तकरीर में नाम आता था मेरे हाथ ठंडे हो जाते थे। ये हेजिटेशन सबको होता है मेरी बहनों, मैं बहुत डरती थी, मगर जैसा जैसा अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, हिम्मत दी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ। तो आप लोग भी बिल्कुल मत घबराएं, ये सुनना भी आपके लिए आपकी हैबत को दूर करेगा, और आप इतने हमसे और हम आपसे मानूस हो जाएंगे, मोहब्बत करने लगेंगे इस रिश्ते की बुनियाद पर। और आप भी, मेरे को यकीन है जैसा जैसा हम आगे पारा बढ़ते जा रहा, आप लोगों की सुनाने वालों की तादाद भी बढ़ेगी, क्योंकि ये किसी पर भी जबरन नहीं है, जरूरी लाजमी बोलकर ये नहीं रखे हम। जिसको भी ख्वाहिश है कि वो कुछ अपने अल्फाज हम तक शेयर कर सके तो वो कर सकता है। तो मुझे यकीन है आप लोगों पर, फिर अल्लाह पर भी भरोसा है कि आप लोगों के अंदर वो हिम्मत अल्लाह ताला देगा जिस तरह मुझे दिया। तो आप लोग भी इंशाल्लाह एक दिन जरूर ऐसा ही सुनाने की कोशिश करेंगे जी। चलिए तो फिर अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं, ये रिकॉर्डिंग रोक कर फिर नई रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं।